कौन बोल रहा? कुसुम देवी, राकेश बोल रहा हूँ। कौन राकेश बोल रहा? पहचानी ना तुम? ना। ये तुम्हारी नंद जो है, नंद हाँ? इनकी जब तुमसे बात हुई है नंद से, तो मैं वहाँ को था। अच्छा, मैं उस वक्त तुमसे बात ना कर पाया, लेकिन मुझे इतनी बुरी बातें लग रही थी नंद की तुम्हारी, और मैं सही बात बता रहा हूँ, कोई मुंह देखी की बात नहीं है। मैंने जितनी बातें मुझे लगी तुम्हारी ठीक लगी। मैं तो तुम्हें सच बताऊँ, मैं तो एक दफ्ते भी मिलनी नहीं ना, तो मिलने की जरूरत क्या इनसे जब ये ऐसे काम कर रहे हैं तो। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हें इतने दबने की जरूरत क्या थी? मैं तो यूँ दब गई बस, मैंने यूँ सोचा कि मैं क्या कम से बात बढ़ती चली जाएगी। आदमी की जिंदगी में तो वैसी बतेरी परेशानियां लग जाए। बतेरी परेशानी? हाँ वही तो, परेशानी थोड़ी है मेरी। एक परेशानी हो तो बता रहे आदमी। अब वो मुझे दबाई, शुरू से उन्होंने मुझे यूं ही किया, जब कितना बर्दाश्त करती है। मैं उस दिन था वहाँ पे, तुम देख ना पाई मुझे। मेरी बात सुनो। हाँ? अरे देखो, शरीफों का तो ये जमाना रह गया, वो मुझ पे चिल्लाती है सारी उम्र। अब दफ्ते को दबाए हुई है, जब मेरी औलाद के सामने ऐसी ऐसी बात करी है उन्होंने, ऐसी ऐसी। वो तो गलत है, हमारी जिंदगी में कितनी परेशानी, मैंने जब देखा। हाँ। तो मेरे साथ तो ये है, मेरे घुटनों ने जवाब दे दिए। हाँ। अब मैं डॉक्टर को दिखाऊं, अब इन्हें बताऊं, तो ये नहीं। अरे बाहर बना के भेज दे यार। 12 रुपए किलो बात कर रहे हैं फोन पे, गली में ठेला लगा रखा, बाहर जाके बेच ले। मैंने जब तुम्हारी नंद से बात करी, मैंने कहा प्याज बेच रहा 12 रुपए किलो प्याज ही बेच रहा। मैंने नंद से ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ से, अरे दफा हो गया यहाँ से, प्याज 12 रुपए किलो क्या वाले गुजरा। अरे नंद से तुम्हारी ये बात थी, मैंने तो ये कहा कि भैया, अरे किलो। अच्छा, मैंने जब तुम्हारी सास से बात करी, मैंने कहा दीदी परेशान कैसे हैं? प्याज वाले को तुम रोको। मैं जब ये बोला कि भैया, अरे भैया बात हो रही है हमारी, निकल जा रहा गली से बाहर को जा रहा। अच्छा, मैंने जब ये कहा, बहुत है मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो जो नंद की बात हो वो तो अलग ही हो। अरे सुनते ही नहीं हो तुम। हाँ क्या कहो हो? ये 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है, रोक लो। अच्छा दीदी, मैंने जब इनसे बात करी, मैंने कहा दीदी जब इतनी परेशान है तो बात को बैठ के, जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा निकल जा हो। मैंने तो मैंने ये कहा, मैंने उनसे ये कहा कि भैया जब भी है, सुनता ही ना तू। हाँ क्या कहो? ये सर रोक ले, जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा। अच्छा ये प्याज वाला ही परेशान कर रहा, चिल्ला चिल्ला के डांटू उनको। अरे चला जा यहाँ से, इसे चला जा यहाँ से, कहीं और जाके ले। नहीं थक गया, प्याज 12 रुपए किलो, प्याज 12 रुपए किलो, दीदी से बात कर रहा हूँ, चिल्ला जा कान पे। सही दीदी, मैंने जो बात मुझसे लड़ाई की, जिस रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा, इसे रोक दीदी। अरे इसे तो रोक ले दीदी, रोक तो लूंगा, क्या क्या करो हो फिर? दूंगी प्याज, आग लग रही है प्याज के सामने। तू यही बात करे जा, मैंने फोन टूट लिया प्याज 12 रुपए किलो। एक सेकंड, मैं इसे भगा के आऊँ, रुको मैं इसे भगा के आऊँ। अरे भगा के उसे रोक ले, मेरे गधे के बच्चे उससे 5 किलो प्याज दिलवा दे, 5 किलो प्याज ले ले। मैं भी यूँ कह रहा हूँ कि मैं तो खुद पहुँचा दूंगा तुम्हारे यहाँ 5 किलो प्याज, लेकिन तुम प्यारी इतनी है, आप प्यारी इतनी है। अरे मेरी बात सुनिए दीदी, मेरी बात सुनिए, बड़े 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 दीदी जिंदगी पहुँचा।